आदिवासी ने अपनी भांजी को 80,000 रुपए में बेचा। 22 वर्षीय पीड़ित युवती 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से बांदा जिले में अपनी मौसी के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। तभी मौसी ने उसे धौलपुर जिले के बसईडांग थाना इलाके के बरीपुरा निवासी को 80,000 रुपए में बेच दिया। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर चला रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर 2 साल में 13 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इन लोगों ने करीब 225 लोगों को चूना लगाया है। इनके 6 राज्यों में चल रहे करीब 14 फर्जी अकाउंट की जानकारी भी पुलिस को मिली है। कुत्ते टहलाने निकले युवक की गोली मारकर हत्या, हमलावर की तलाश जारी। चश्मदीदों के मुताबिक जिस तरह से दुष्कर को गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरी घटना आपसी रंजिश की ओर इशारा कर रही है। बीती रात पुष्कर अपने घर के बाहर गली में पालतू कुत्ते को टहला रहा था, उसी समय उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नीदो तानिया मर्डर केस में 4 को जेल, सीबीआई ने दर्ज किया था केस। पूरी जांच के बाद यह पता चला कि नीदो तानिया पर हमले में 3 किशोर सहित 7 लोग शामिल थे। 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दिल्ली के एक अदालत में दायर की गई थी। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।